आप लोगों को क्या जरूरत पड़ गई प्रोटेस्ट में शामिल होने की? जरूरत तो देखो हर किसी की है, क्योंकि अगर किसान नहीं होंगे तो फूड नहीं होगा तो हम कहाँ होंगे? फिर हम ये दिल्ली वाले कहाँ से लेके आएंगे? फिर दिल्ली वाले हरियाणा पंजाब का ही तो खाते हैं। अगर यही नहीं करेंगे, हम ही नहीं इनके साथ नहीं खड़े होंगे, तो फिर आने वाले कल हम कितना खरीद के खा लेंगे? एक ना एक दिन तो वो भी बंद हो जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? लोग जिनको प्रॉब्लम है छोटी छोटी चीज़ों से, उनको तो आप खुले में छोड़ दो, वहाँ भी दिक्कत ही रहेगी। ठीक है, हमें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने किसान भाइयों से कोई दिक्कत नहीं है। इनकी रिस्पेक्ट के लिए आज हम इनके साथ खड़े हैं कि हमें भी आना चाहिए। अपना घर परिवार बच्चे सब कुछ छोड़ के यहाँ पहुँचे हैं। सरकार को क्या कहें? मान जा, ठीक है, ये गलत नहीं है, सही है, मान जा तो अच्छी बात है, ना तो फिर वो ये बात है, जो ये सोचेंगे वो करेंगे। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पंजाब लोकमत टीवी, मैं जसपाल मान। किसानी संघर्ष के लगातार तुहानू वक्रे वक्रे रंग देखने मिल रहे हैं, वक्रे वक्रे तरीके दे नाल लोक आ जिहड़े वो हमायत कर रहे हैं, और ये किसानी अंदोलन आ जिहड़ा लोक अंदोलन बन गया। दिल्ली के लोग, दिल्ली के आस पास के लोग भी इहदे विच अपने अपने तरीकों के नाल योगदान पा रहे हैं और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे। साडे नाल एक मैम ने, ये आउटर दिल्ली तो रहने वाले ने और हर रोज़ ये प्रोटेस्ट के आते हैं, और इस तरह के नाल ये फार्मर फूड फ्यूचर, नो फार्मर नो फूड न्यू फ्यूचर, नो फ्यूचर लिख के इस तरीके दे नाल ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम सीमा है, मैं कराला कंझावला में से। आप लोग इधर दिल्ली के पास से ही रहने वाले हैं? हाँ जी, आउटर दिल्ली में आता है ये सारा। हाँ जी, आप लोगों को क्या जरूरत पड़ गई प्रोटेस्ट में शामिल होने की? जरूरत तो देखो हर किसी की है, क्योंकि अगर किसान नहीं होंगे तो फूड नहीं होगा तो हम कहाँ होंगे? फिर हम ये दिल्ली वाले कहाँ से लेके आएंगे? फिर दिल्ली वाले हरियाणा पंजाब का ही तो खाते हैं। अगर यही नहीं करेंगे, हम ही नहीं इनके साथ नहीं खड़े होंगे, तो फिर आने वाले कल हम कितना खरीद के खा लेंगे? एक ना एक दिन तो वो भी बंद हो जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? जी, दिल्ली वाले कुछ लोग बोलते हैं कि हमें दिक्कत है, हम लोग चलते चलते बात कर लेते हैं, या कुछ लोग या कुछ मीडिया का हिस्सा बोलता रहता है, जैसे गोदी मीडिया या उनके कुछ लोग, कि हमें दिक्कत है, हमें प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट तक पटिशनें डालने की कोशिश की, या अलग अलग तरीके से बयानबाजी करते रहते हैं। आप लोगों को दिक्कत नहीं आती आउटर दिल्ली में रह रहे हैं? नहीं जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। और रही बात औरों की दिक्कत की, तो लोग जिनको प्रॉब्लम है छोटी छोटी चीज़ों से, उनको तो आप खुले में छोड़ दो, वहाँ भी दिक्कत ही रहेगी। ठीक है, हमें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने किसान भाइयों से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, जो लोग इतने बैठे हैं जी, आप सोचते क्या हो इनके लिए, मन में क्या बात आती है? इनके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है, क्योंकि इतनी दूर से ये हमारे लिए उठ के आए हैं, तो इनकी रिस्पेक्ट के लिए आज हम इनके साथ खड़े हैं कि हमें भी आना चाहिए। अपना घर परिवार बच्चे सब कुछ छोड़ के यहाँ पहुँचे हैं, तो हमें भी इनका साथ, और इनके लिए तो तहे दिल से बहुत इज्जत है। कुछ लोग या गोदी मीडिया बोलता है, भड़काऊ है, इनको गलत फहमी है, सरकार भी बोलती रही है अब तक, है ना? नहीं नहीं नहीं, ये तो वही बात है, उन लोगों की गलत फहमी है कि ये भड़काए हुए हैं या बहकाए हुए हैं, ये उनकी है। यहाँ पर हर कोई अपनी मर्जी से आया है, कोई ज़बरदस्ती नहीं की किसी के साथ, और अपने हक के लिए आए हैं। इनको लगता है कि ये सही है तो आए हैं, वरना गलत के साथ कौन खड़ा होगा, और कितने दिन आप खड़ा कर लोगे? दो दो तीन तीन महीने कोई नहीं आता, लेकिन ये आए हैं तो ये सही है और हम सही के साथ खड़े हैं। जी, आप कब से ऐसे प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं? मुझे एक महीना हो गया, ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ आई हूँ, एक एक दो दो दिन का गैप दे के आई हूँ, क्योंकि घर भी है, बच्चे भी हैं, उनका अब सारा काम निपटा के मैं सुबह आती हूँ, शाम को जाती हूँ। जी, आप लोग फार्मर तो है नहीं, क्योंकि आउटर दिल्ली में रह रहे हैं, कुछ ना कुछ अपना काम धंधा कर रहे हैं, फार्मर की सपोर्ट, ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम फार्मर नहीं हैं, हमारे भी किले हैं मायके में, यहाँ नहीं है, शादी से पहले हमने भी गेहूँ काटे हैं, धान लगाए हैं, झाड़े हैं, सब कुछ करा है, तो हमें पता है अभी खेती कितनी मुश्किल है, और उसको बेचने के लिए इतना कुछ मेहनत करनी पड़ती, हमारी भी माँ थी, पापा थे, सब करते थे, शादी के बाद नहीं करते तो क्या कह सकते, भी पहले तो किया है। अच्छा, और कल को 26 की परेड है, आउटर दिल्ली या दिल्ली के सर्कल वाले लोग आप बात करते होंगे आपस में, क्या सोचते हैं इसको लेकर? वो यही कह रहे हैं सरकार तो मानेगी नहीं, तो भाई मारा तो मारना ही है, या मनवा का छोड़ेंगे। हाँ जी,
के लिए मन में जोश है कि कल की परेड देखनी है? बच्चे बोलते होंगे बिल्कुल जोश है, देखेंगे हमारे भाई के करेंगे, चारों तरफ वही बात है, सब ये सब को यही बोल रहा है, अड़ोसी पड़ोसियों को भाई गाड़ी गोड्डी लेकर अपना खड़े पाइयो आगे रोड पे, और ऐसा होगा भी, जब ये वहाँ से निकलेंगे तो सब इनको आगे खड़े मिलेंगे। सरकार को क्या कहें? मान जा, ठीक है, ये गलत नहीं है, सही है, मान जा तो अच्छी बात है, ना तो फिर वो ये बात है, जो ये सोचेंगे वो करेंगे। मेहरबानी जी, सोच भैन बारे दस दिए, इन्हों का नाम सीमा, और इन्होंने दसिया कि ये जिहड़ा एक बुटीक चलाउंदे आ पर इहदे विच प्रोटेस्ट दे विच आ के हिस्सा पाउंदे ने, लगातार इस तरीके दे नाल अपने परिवार दे नाल आउंदे आ। सो तुसीं इसे तरह पंजाब लोकमत टीवी नाल बने रहो, होर तस्वीरां तुहाडे नाल सांझियां करदे रहांगे।